नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोपाल और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल साइंस एकेडमी। तो आज आपके लिए एक बहुत ही अच्छा वीडियो लेके आया हूं, जो आपके आने वाली परीक्षा ग्रुप डी के लिए बहुत ही विशेष है। तो इस सीरीज में हम साइंस के वो सभी क्वेश्चन पढ़ेंगे जो 2018 के ग्रुप डी परीक्षा में साइंस के क्वेश्चन आए थे। सिर्फ वही क्वेश्चन पढ़ेंगे और आपको कम से कम इस सीरीज में 750 यानी 750 क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो आज देखते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह के बाहरी कोश पूर्ण होते हैं। ठीक है, तो ये सभी जितने क्वेश्चन होंगे यह 2018 के ग्रुप डी के सभी पालियों में किसी न किसी पाली में पूछा गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पहले हम समझते हैं क्वेश्चन क्या बोला है। आधुनिक आवर्त सारणी यानी आवर्त सारणी आप जानते हैं क्या होता है, तत्वों को सजाया गया है सारणी के रूप में, उसको हम आवर्त सारणी कहते हैं। ठीक है, तो उस आवर्त सारणी में क्या हुआ, इस प्रकार से सजाया गया है, ऐसे 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 फिर ऐसे करके सजाया गया है, आप जानते हैं। ठीक है, तो हुआ क्या कि ये जो आवर्त सारणी होता है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, आवर्त सारणी जो होता है इसमें क्या होता है, ऐसे यानी कि गिरा हुआ जो लाइन होता है आपको, ठीक है, इसको कहते हैं आवर्त, और ऐसे ही जो खड़ा लाइन होता है इसको कहते हैं वर्ग। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें कैसा क्वेश्चन आ सकता उसको देखिए, आपके सामने क्वेश्चन आ सकता है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं और कितने वर्ग होते हैं। ठीक है, तो आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या होती है 7। देखिए, इससे मिलता जुलता क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, फिर बाद में इस क्वेश्चन पर चलेंगे। ठीक है, तो आवर्त की संख्या आपके पास कितना होता है, आवर्त की संख्या होता है 7 और वर्ग की संख्या होता है, वर्ग को समूह भी बोलते हैं। ठीक है, वर्ग बोले या समूह, ठीक है, समूहों की संख्या यह जो होता है 18। ठीक है, इस बात को आप समझ गए हैं। तो कभी कभी आपको पूछा जाएगा, ठीक है, आवर्तों की संख्या कितनी होती है, बोलिएगा 7 और वर्ग की संख्या कितनी होती है 18। तो इसी 18 के बारे में, ठीक है, आपसे पूछा कि इसमें से किस समूह के जो तत्व होते हैं उसके बाहरी कोष पूर्ण होते हैं। तो इस बात को भी समझिए आप कि बाहरी कोष कहने का अर्थ क्या होता है। आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, ठीक है, आप समझते हैं बाहरी कोष कहने का, जैसे भी किसी भी तत्व का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो उसमें ऐसे करके बनाते हैं, ठीक है, इस पर इलेक्ट्रॉन चलता है, बीच में न्यूक्लियस होता है। ठीक है, तो ये बाहर में जो कितना इलेक्ट्रॉन होता है वह पूर्ण होना चाहिए। आप जानते हैं कि बाहर में पूर्ण होने के लिए उसको अष्टक पूरा होना चाहिए। ठीक है, तो यानी कि इस क्वेश्चन का मतलब है कि वह कौन से, ठीक है, समूह है जिसमें जो भी तत्व है उस सभी का बाहरी कोष पूरा हुआ है। तो बाहरी कोष पूरा होने के लिए आप जानते हैं कि 2, 8, 18 यही सब हो सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि जो भी तत्व होगा वह सब जो होगा वह क्या होगा, जैसे कि बाहरी कोष पूरा होने के लिए यानी कि वह सभी निष्क्रिय गैस होगा। ठीक है, वह सभी निष्क्रिय गैस होगा और आवर्त सारणी में निष्क्रिय गैस को कहाँ रखा गया, 18वें समूह में। तो इसलिए इस सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। अभी थोड़ा सा इससे रिलेटेड अभी आप देख रहे हैं, तो कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 18वें समूह में कौन सा गैस होता है, आपका नाम होगा कौन से तत्व होते हैं, इसका नाम होता है निष्क्रिय तत्व होते हैं। ठीक है, निष्क्रिय गैस भी उसको बोलते हैं। ठीक है, तो कभी कभी पूछा जाएगा कि कितने निष्क्रिय गैसें, निष्क्रिय गैसों की संख्या बताइए। तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला दिया जा रहा, मतलब ट्रिक दिया जा रहा, जिसको आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप याद कर सकते हैं, देखिए हिंदी में मैं लिख देता हूं, ही नो आके जाना रे। ठीक है, हीना आके जाना रे। तो देखिए, ये आपको याद करने में थोड़ा अच्छा लग रहा है, इसमें छुपा हुआ है आपको निष्क्रिय गैस का। देखिए, ही मतलब ऐसे होता है, क्या होता है, एच ई। ठीक है, उसके बाद न, इसका होता है
एन ई, ठीक है। आ आ मतलब होता है ए आर, आर्गन, ठीक है। के मतलब होता है के आर, क्रिप्टन। जा जा मतलब होता है जेनन, यानी कि एक्स ई, ठीक है, जाना हो गया। रे मतलब होता है लास्ट में, इसका होता है रेडोन। तो यानी कि 1 2 3 4 5 6, यानी कि निष्क्रिय गैसों की संख्या 6 है, और उसका आपको नाम भी याद हो गया, और यही फॉर्मूला से आप इसका नाम याद कर लें, यही आप ट्रिक याद कर लेंगे, ठीक है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, ठीक है, अपने दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। आपके ऊपर किसी प्रकार का दबाव नहीं है, आपका मन करे तो शेयर कर सकते हैं, मन करे शेयर नहीं भी कर सकते हैं। आपको अच्छा लगे तो वीडियो देखिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं, ओके। तो अगला सवाल आपका क्या है वह देखिए, अगला सवाल नंबर दो। सवाल नंबर दो क्या है कि जल में H2 और O के द्रव्यमान का अनुपात है। तो आप जानते हैं कि जल में जो होता है, जल का सूत्र क्या होता है, तो जल का सूत्र होता है H2O, ठीक है। इसी में बोल रहा है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के क्या बोल रहा है, द्रव्यमान का अनुपात बताइए। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, तो हाइड्रोजन इसमें कितना है, 2 है, ऑक्सीजन इसमें कितना है, 1 है। तो आपको जानना पड़ेगा कि हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है। हाइड्रोजन का द्रव्यमान आपको याद होगा, हाइड्रोजन का द्रव्यमान होता है 1, ठीक है, और ऑक्सीजन का द्रव्यमान होता है 16, ठीक है। तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1, द्रव्यमान संख्या भी 1, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8, द्रव्यमान संख्या होता है 16, ठीक है। तो उसने बोला हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात बताइए। इसमें 2 हाइड्रोजन है, इसका मतलब इसका द्रव्यमान हो गया 2, इसमें 1 ऑक्सीजन है, इसका द्रव्यमान हो गया 16, इसी का अनुपात बताना है, यानी कि 2:16। और अनुपात में आप जानते हैं कि इसको कटाया जाता है, जब तक कटता रहे, तो 2 को जब कटाइएगा तो इसका कटने के बाद आ जाएगा 2 से कटाइएगा 1:8, और 1:8 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है, और ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का आंसर है। कहीं कोई दिक्कत परेशानी समझने में, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, अब चलते हैं अगले सवाल की ओर, देखते हैं अगला सवाल आपका क्या है। अगला सवाल नंबर 3, धोवन सोडा के एक अणु में पानी के कितने अणु उपस्थित होते हैं। तो देखिए यह सवाल ऐसा है, आपको याद होना चाहिए धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र संकेत क्या होता है, तभी आपको पता चल पाएगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र होता है वह क्या होता है, मैं यहाँ लिख के दिखाता हूँ, Na2 और होता है CO3 into 10H2O, ठीक है। Na2CO3 into 10H2O ये फॉर्मूला होता है, यानी कि धोवन सोडा का ये संकेत रासायनिक संकेत होता है, ठीक है। तो इसमें पूछा पानी के कितने अणु हैं, तो आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें पानी कितना है, तो H2O के बगल में कितना है, 10 है, इसका मतलब हुआ पानी के 10 अणु हैं। अतः इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, पानी के 10 अणु, ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का आंसर है, ठीक है। समझ गए हैं, समझने में कहीं कोई दिक्कत तकलीफ नहीं है, चलते हैं। तो इस सीरीज में आपको क्या होगा, कम से कम 750 क्वेश्चन दिखाया जाएगा, ठीक है, जो आपकी परीक्षा में आने की बहुत ही संभावना है, क्योंकि ये जितना भी सवाल है वह सब पिछले 2018 ग्रुप डी में पूछा गया सवाल है, ठीक है, आगे बढ़े बढ़ना ही होगा, ओके। चलते हैं अगले सवाल पे, अगला सवाल नंबर आपका है सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 क्या बोल रहा है, 18 वोल्ट विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 4 कूलम आवेश ले जाने में किए गए कार्य की मात्रा क्या होगी। तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला जाना पड़ेगा कि क्या होता है। तो फॉर्मूला आपको होता है भी बराबर होता है W बटा में Q। तो भी मतलब जो आपका हो गया, यह हो गया वोल्ट माने विभवांतर, W मतलब आपका हो गया वर्ग, और Q मतलब होता आवेश, ठीक है। अब आप इस फॉर्मूला पे बैठा दीजिए और आपका सवाल का आंसर हो जाएगा।
तो भी आपको निकालना है डब्ल्यू क्यू। तो इस डब्ल्यू निकालना है तो डब्ल्यू मतलब होता है कर्ज, तो आप इसको आगे बढ़ा के लिख सकते हैं कि W बराबर होगा V इंटू क्यू। इसका मतलब V का वैल्यू कितना है 18 और Q माने आवेश, आवेश का वैल्यू कितना है 4, इसका मतलब हो गया 72 और कार्ज का SI मात्रक जो होता है वह जूल होता है, तो इसीलिए इसमें ये जूल लिखा हुआ है, जे जे मतलब जूल लिखा हुआ है, तो 72 जूल इस सवाल का आंसर है। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। तो आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा, चले अगले सवाल पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन नंबर आपका जो है क्वेश्चन नंबर 5 है, इनमें से कौन से तत्व के रासायनिक प्रतीक लाइटिन नाम से लिया गया है? तो आप जानिए कि कुछ तत्व के लाइटिन नाम से प्रतीक दिया गया है, कुछ तत्व का अंग्रेजी के नाम से दिया गया है, किसी किसी में अगर अंग्रेजी का नाम मैच कर रहा था लेटर तो उसमें एक और लेटर दिया गया, ठीक है। तो इस प्रकार तत्व का नामकरण किया गया है, तो जो इस क्वेश्चन में दिया गया ऑप्शन उसके हिसाब से पूछ रहा है कि इसमें से किसका नाम लैटिन नाम से लिया गया है। देखिए एल्युमिनियम का मतलब आप जानते हैं एल्युमिनियम होता है, क्लोरीन का मतलब क्लोरीन होता है, कार्बन का मतलब कार्बन होता है, लेकिन आयरन का मतलब क्या होता है? लोहा होता है, नहीं तो आप समझिए कि यह डायरेक्ट इसका नाम है जो यहाँ लिखा हुआ वही नाम है, लेकिन इसका नाम नहीं लिखा हुआ, इसका नाम आयरन मतलब लोहा होता है, तो इसी का नाम लैटिन नाम से लिया गया है, क्योंकि आप लैटिन आयरन का जो संकेत देखते हैं, आयरन का संकेत होता है Fe, क्या होता है? आयरन का संकेत आपका होता है Fe, इसका लैटिन में पूरा जो नाम होता है वह होता है FeRROM, क्या होता है? फेरम, FeRROM फेरम होता है, तो फेरम का ही संक्षिप्त रूप Fe लेके इसका नाम क्या रखा गया? आयरन रखा गया, बाकी क्लोरीन का Cl होता है, एल्युमिनियम का Al होता है, कार्बन का C होता है, तो अब आप समझ गए होंगे कि इसमें से आयरन का नाम Fe लैटिन नाम से लिया, लैटिन एक भाषा होती है, ठीक है। तो बात समझ गया, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ओके। तो अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है वह देखिए, जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आप समझ चुके हैं कि कोई वस्तु क्या करेगा वृत्तीय पथ पर, यानी कि ये रास्ता होगा इसके ऊपर कोई वस्तु क्या करेगा, गति करेगा, ठीक है, दिख रहा है आपको। तो ये बोल रहा है इस पर जब गति करेगा तो केंद्र की ओर बल लग रहा है, नहीं तो जैसे देखिए पहले ऑप्शन सुन लीजिए, इसमें बोल रहा है साधारण बल, बी में बोल रहा है कोणीय बल, सी में बोल रहा है अपकेंद्र बल और डी में बोल रहा है अभिकेंद्र बल, ठीक है। तो ध्यान से समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा, क्वेश्चन कह रहा है कि इसके ऊपर यानी इस रास्ता पर कोई वस्तु गति करेगा तो केंद्र की ओर बल, तो आप देखिए ये केंद्र की ओर बल लग रहा है इसने क्वेश्चन बोला, वास्तव में अगर ये नहीं भी बोले मतलब कि बल ऑटोमेटिक लगेगा जब आप किसी वस्तु को इस पर गति कराइएगा वृत्तीय पथ पर, ये ऑटोमेटिक फिजिकल फिनोमिनन है, यानी कि भौतिक घटना ऐसा होगा ही होगा, ठीक है। तो इस बल इसमें क्या देखिएगा, इस वस्तु को एक बल अंदर की ओर लगेगा और ऐसा ही एक बल बाहर की ओर लगेगा। इसका आप अनुभव करना चाहते हैं तो आप मेला में जाइएगा और एक झूला देखिएगा जो ऐसे करके चारों तरफ राउंड करता होगा, यानी कि घोड़ा वगैरह वाला झूला जिस पर घोड़ा पे बैठ के व्यक्ति झूलता है चारों तरफ ऐसे राउंड मारता है, ठीक है। तो उस झूला पे जब आप बैठिएगा तो आप देखिएगा कि आप झूला पे बैठ जाइएगा और अपने मित्र को बाहर खड़ा रखिएगा झूला के बाहर, तो झूला झूलने के बाद एक दूसरे से आप बात कीजिएगा, ठीक है। तो उससे पूछिएगा कि हम जब झूल रहे थे तो मेरा क्या स्थिति था, ठीक है, और फिर आप कहिएगा कि हमसे पूछना कि मेरा क्या स्थिति था। तो जब आप क्या कीजिएगा, आप अपने मित्र से पूछिएगा कि झूला पे मैं बैठा हुआ था तो उस समय क्या हो रहा था, तो वह बोलेगा आपको कि झूला आप अंदर से बाहर की ओर आपको फेंक रहा था, ठीक है, बाहर की ओर फेंक रहा था। इसका मतलब हुआ
अंदर से बाहर की ओर एक बल लग रहा था, ठीक है। और जब आपका मित्र आपसे पूछेगा कि आप कैसा अनुभव कर रहे थे, तो आप बोलिएगा आपको ऐसा अनुभव होगा, नहीं विश्वास है, आप मेला में आप अगली बार जाइएगा तो इस बात का अनुभव कीजिएगा, तो आपको लगेगा कि आप जहाँ पे बैठे थे आपको अंदर की ओर ऐसे खींच रहा, ऐसे आपको फील होगा अपने मन में, ठीक है। तो वही जो अंदर की ओर खींचता है, यानी कि एक बल बाहर की ओर भी लगता है, एक बल अंदर की ओर लगता है, और इसी बल का फिजिक्स में नाम दिया गया है। तो बाहर की ओर जो बल लगता है उसका नाम है आप केंद्र बल, और अंदर की ओर जो बल लगता है उसका, यहाँ केंद्र होगा, ठीक है, अंदर की ओर जो बल लगता है उसका नाम है अभिकेंद्र बल। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, केंद्र की ओर, यही हुआ केंद्र, ठीक है, केंद्र की तरफ बल लग रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, अभिकेंद्र बल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। तो बात समझ गए हैं, कहीं कोई दिक्कत, समझने में परेशानी नहीं, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो आपका है, क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से कौन सा जंतु गर्म रक्त वाला है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका ए है मगर, बी है मेढक, सी है मछली और डी है कबूतर। तो देखिए, गर्म रक्त कहने का तात्पर्य ये है कि ऐसा जंतु जो परिस्थिति बदलने पर उसका बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है कम ज़्यादा हो सकता है, तो वह हुआ कि उसका ब्लड गर्म नहीं है, ठीक है, मतलब बदल सकता है। लेकिन एक ऐसा प्राणी कि बॉडी का टेम्परेचर फेरफा हो जाए तो उसका तबीयत खराब हो जाता है, यानी कि ऐसा प्राणी जो अपने बॉडी के टेम्परेचर को बदल नहीं सकता, परिस्थिति कैसा भी हो उस परिस्थिति में टेम्परेचर को नहीं बदल सकता है, तो उसको हम कहते हैं गर्म रक्त प्राणी। तो गर्म रक्त प्राणी उसमें क्या होता है, एक तो होता है स्तनधारी, ठीक है, क्या होता है, स्तनधारी होता है, स्तनधारी, और दूसरा होता है पक्षी, ठीक है। तो स्तनधारी और पक्षी, यही दोनों होता है गर्म रक्त प्राणी, बाकी सभी क्या होता है, बाकी दूसरे जो होता है उसका रक्त का टेम्परेचर परिस्थिति के अनुसार बदल जाएगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने आप को ढाल लेता है, ठीक है। तो इसमें से स्तनधारी, तो इसमें से कोई नहीं है, बच गया कौन आपका, पक्षी। तो इसमें से पक्षी कौन है, तो ऑप्शन नंबर डी है, और ऑप्शन नंबर डी कबूतर है, इस सवाल का आंसर है, ठीक है, बात समझ गए हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, निषेचित अंडा युग्मज किस में समाविष्ट होता है। इसका ऑप्शन है योनि, गर्भाशय, अंडाशय और गर्भाशय ग्रीवा। तो अब आप देखिए कि ये निषेचित अंडा का मतलब होता है एक तरफ मेल एक तरफ फीमेल, जब ये दोनों एक दूसरे से क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन सिस्टम का क्या करते हैं, क्रियाक्रम करते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, अंडाणु और शुक्राणु जाके मिलते हैं, अंडाणु और शुक्राणु जब मिलते हैं तो इसी को कहते हैं कि अंडा निषेचित हो गया, और उससे जो पीस बनता है उसी को युग्मज कहते हैं। ये मिलने के बाद आगे कहाँ जाते हैं, तो यह आगे कहाँ जाते हैं, तो यह जाते हैं गर्भाशय में। तो योनि, गर्भाशय, अंडाशय, गर्भाशय ग्रीवा, यह सभी मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम के पार्ट्स हैं, और जैसे ही युग्मज बनता है वो कहाँ जाता है, गर्भाशय में जाता है, यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, अगला सवाल नंबर 9 क्या है वह देखिए। सवाल नंबर 9 है, पृथ्वी का द्रव्यमान है, तो डायरेक्ट आपको याद करना पड़ेगा, इसमें से ऑप्शन क्या है, देखिए 6×10^-24 kg, 6×10^-23 kg, 6×10^-24 kg और 6×10^-23 kg। तो पृथ्वी बहुत विशाल है, इसका द्रव्यमान जो होगा हमेशा पॉजिटिव होगा, निगेटिव तो कभी नहीं होगा, देखिए ये और ये नहीं होगा, इसका मतलब पृथ्वी का द्रव्यमान पॉजिटिव होगा। और आपको याद करना पड़ेगा कि पृथ्वी का द्रव्यमान जो है 6×10^24 kg यानी किलोग्राम है, ठीक है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 10, किस माध्यम में ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है। बिल्कुल हल्का क्वेश्चन है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, ठीक है, आपको याद भी होगा। तो ऑप्शन दिया हुआ निर्वात, बी में है द्रव, सी में है ठोस और डी में है गैस।
तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि ध्वनि की जो गति होती है घनत्व माध्यम पर डिपेंड करता है। जैसे जैसे घनत्व बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसकी गति बढ़ती जाएगी। इसमें से सबसे ज्यादा घनत्व किसमें है? ठोस में है। यानी कि जो मैं घनत्व वाला बात किया हूँ वो आपको काम आएगा कभी कभी, जिसमें पता नहीं चलेगा कौन इसमें ठोस है कौन इसमें गैस है। ठीक है, तो उस समय जिसका घनत्व ज्यादा होगा उस समय आपको पता चल जाएगा इसमें इसका स्पीड ज्यादा होगा, इसमें ठोस है ठोस का घनत्व अधिक होता है। ठीक है, इसी सवाल को एक प्रकार और भी घुमा के पूछा जाता है। एक प्रकार से कैसे पूछा जाता है कि इनमें से किसमें ध्वनि का गति सबसे अधिक होता, उसमें किसी मेटल का नाम दिया जाता है तो उसमें एक इस्पात होता है, तो इस्पात में भी ध्वनि की सबसे अधिक गति होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 11 है, पौधे का लचीलापन का कारण क्या है? तो आप ऑप्शन देख रहे हैं, जाइलम, फ्लोएम, कोलेन काइमा और सेलेरेन काइमा। ठीक है, सक्लेरेन काइमा है। तो अब आप देखिए यह जो है जाइलम फ्लोएम ये सभी टिश्यू है। टिश्यू मतलब टिश्यू उत्तक होता है, यानी कि आपके शरीर में जो टिश्यू है ठीक है उसको, और वैसे ही पौधे में भी टिश्यू है। ठीक है, तो ये जो टिश्यू है तो जाइलम एक प्रकार का टिश्यू है, फ्लोएम। तो देखिए तो इस सवाल का आंसर लचीलापन का जो कारण है वह इस आपका ऑप्शन नंबर सी है, कोलेन काइमा है। आपको इसमें आपके सामने आया है जाइलम और फ्लोएम, इसलिए आप इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। पौधे में जाइलम और फ्लोएम इस पर एक सवाल आता है आपके सामने, तो बोलेगा पौधे में जल का संवहन कौन करता है? याद रखिए जल जो से होता है, इसलिए जाइलम जो है जल का संवहन, यानी कि जड़ से पत्ती तक जल ले जाने का कार्य कौन करता है? तो जाइलम। और फ्लोएम क्या करता है? भोजन, यानी कि भोजन उसका पत्ती में बढ़ता है तो भोजन उसको हर जगह पहुँचाना होता है, वह काम करता है फ्लोएम। बात समझ गए हैं? ठीक है, आगे चलते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है वह देखिए, किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन मुक्त होती है, यानी कि किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन मुक्त होती है? आपको ऑप्शन दिया है, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, बाष्पोत्सर्जन और मल त्याग। यानी कि यह सब एक क्रिया है, जो क्रिया ऑटोमेटिक होती है या कभी कराया जाता है। ठीक है, ये सब क्रिया तो ऑटोमेटिक है, यानी कि श्वसन मतलब जब आप सांस लेते हैं तो क्या उसमें ऑक्सीजन उत्पन्न होता है? प्रकाश संश्लेषण जब होता है, प्रकाश संश्लेषण यानी कि पौधा जब भोजन बनाता है क्या उसमें ऑक्सीजन उपलब्ध होता है? बाष्पोत्सर्जन यानी कि बाष्प निकलता है तो उसमें ऑक्सीजन उत्पन्न होता है, मुक्त होना मतलब ऑक्सीजन छूटना होता है, मल त्याग में ऑक्सीजन छूटता है। तो आपको पता चलेगा प्रकाश संश्लेषण का जो उत्पाद होता है वह ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन उससे मुक्त होता है। इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है 13 नंबर, सामान्य तौर पर विद्युत धनात्मक तत्वों के संयोजकता होती है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि संयोजकता जो होता है किसी का एक होता है, किसी का दो होता है, किसी का तीन होता है, यानी कि किसी भी विद्युत धनात्मक जो तत्व होगा उसकी संयोजकता क्या होती है? वह होता है एक, दो और तीन। ठीक है, एक, दो और तीन होता है। इस सवाल का ऑप्शन का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, डायरेक्ट इसको याद करना है। ठीक है, अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14, एक सुचालक का प्रतिरोध किस कारक पर निर्भर नहीं करता है? ध्यान से देखिएगा, जब भी आप परीक्षा में क्वेश्चन बनाए क्वेश्चन को थोड़ा सा बारीक से पढ़े। कभी कभी होता क्या है, यह जो नहीं लिखा रहता है हम लोग को नहीं दिखता ही नहीं है, यानी कि नहीं शब्द को हम लोग छोड़ देते हैं, हमको लगता है सीधा पूछा है कि सुचालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है। ऐसा कभी कभी होता है, आपको नहीं दिखेगा। अतः आपको मैं सलाह देता हूं कि प्लीज जब भी आप क्वेश्चन पढ़े ध्यान से पढ़े, जिस क्वेश्चन में नहीं है ठीक है वह आपको जल्दी नहीं दिखता। ठीक है, तो इसमें नहीं पूछ रहा, देखिए सुचालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है। सुचालक का प्रतिरोध तो आप पढ़े होंगे, प्रतिरोध मुख्यतः तीन बातों पर डिपेंड करता है। ठीक है, एक तो लंबाई पर डिपेंड करता है, दूसरा उसका
क्षेत्रफल कैसा है, यानी कि अगर तार है तो तार की मोटाई कैसा है, मोटाई मतलब यही जो क्षेत्र अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होगा, ठीक है। और तीसरा उसके पदार्थ पर भी निर्भर करता है, जैसे आप पढ़े होंगे कि सबसे अच्छा सुचालक होता है चांदी, ठीक है। लोहा क्यों नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि पदार्थ है वह है चांदी या है लोहा, ठीक है। सुचालक तो है लेकिन सबसे अच्छा यानी प्रतिरोध उसका सबसे कम होता है। प्रतिरोध डिपेंड करता है किस पे, पदार्थ किसका है यानी किसका प्रतिरोधक बना हुआ है, ठीक है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है, उसकी लंबाई, इस तीनों पे डिपेंड करता है। लेकिन इस सवाल में क्या पूछा है, नहीं करता है, तो दाब पर डिपेंड नहीं करता, यानी कि आप जहां पे प्रतिरोध का काम देख रहे हैं यानी प्रतिरोध के बारे में आप उसकी गणना कर रहे हैं तो दाब से कोई लेना देना नहीं है। गणना करने के लिए क्षेत्रफल होना चाहिए, लंबाई होना चाहिए और पदार्थ होना चाहिए, ठीक है। बात समझ गए हैं, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ओके। अगला क्वेश्चन नंबर है 15। किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल किस नाम से जाना जाता है। तो कोई वस्तु जो है उस पर जो गुरुत्व बल कार्य करता है, तो गुरुत्व बल का मतलब होता है वह बल जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी केंद्र की ओर खींचती है उसे ही गुरुत्व बल कहते हैं। तो जैसे यह वस्तु है इसको पृथ्वी ऐसे करके खींचेगी अपने तरफ, तो जो यह बल लगेगा इसी बल को गुरुत्व बल कहते हैं। और गुरुत्व बल को किस नाम से जाना, यानी कि एक और इसका नाम है, तो वास्तव में ऑप्शन है द्रव्यमान, भार, त्वरण और वेग। तो इसमें से इसका नाम जो है वह होता है भार, ठीक है। यानी द्रव्यमान का एसआई मात्रा किलोग्राम होता है लेकिन भार वास्तव में एक बल है, ठीक है। तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। तो इसी प्रकार, ठीक है, किसी वस्तु का द्रव्यमान जो होता है और भार होता है अलग अलग चीज होता है, इसलिए द्रव्यमान आप नहीं समझेंगे। इस सवाल का आंसर क्या है, भार है। त्वरण नहीं होगा, त्वरण तो क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग, ठीक है, चाल के बराबर होता है, ठीक है। चाल और वेग में सिर्फ इतना ही अंतर है कि वेग सदिश है और चाल अदिश होता है, ठीक है। चले अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है इनमें से कौन ठोस, द्रव तथा गैस तीनों रूप में पाया जाता है। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, यह है धातु, दूसरा बी में है अधातु, तीसरा है उपधातु और चौथा है निष्क्रिय तत्व, ठीक है। तो आप शुरू में पढ़े होंगे क्वेश्चन में कि निष्क्रिय तत्व, ठीक है, 18वें ग्रुप में रहता है तो वो गैस होता है, ठीक है। अब बच गया है धातु, तो धातु के बारे में, धातु की आप विशेषता पढ़े होंगे, धातु हमेशा क्या होता है, ठोस होता है, ठीक है। बच गया अधातु, उपधातु जो होता है वह धातु और अधातु दोनों का गुण होता है, ठीक है। तो बच गया अधातु, तो अधातु जो क्या है यह तीनों रूप में पाया जाता है, यानी कि ठोस, द्रव और गैस तीनों रूप में पाया जाता है अधातु। तो इसमें देखिए क्वेश्चन बन सकता है कि एक, ठीक है, ठोस अधातु का नाम बताइए, एक गैस अधातु का नाम बताइए, ठीक है, एक द्रव अधातु का नाम बताइए। तो अब आप लिखिए, ठीक है, तो ठोस अधातु, ठीक है, ठोस अधातु में है कार्बन, फास्फोरस, सल्फर, आयोडीन, कार्बन, फास्फोरस, कार्बन, फास्फोरस, सल्फर, आयोडीन और भी, अब क्या हुआ, ये हुआ ठोस अधातु, और भी होते हैं, इतना मेरे पास उपलब्ध था, ठीक है, तो इतना मैंने लिख भी दिया। अब द्रव अधातु का नाम है ब्रोमीन, द्रव अधातु का नाम है ब्रोमीन। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एक ऐसे अधातु का नाम बताइए जो द्रव अवस्था में रहता है, इसका नाम है ब्रोमीन। कभी कभी पूछता है कि ऐसा धातु का नाम बताइए जो द्रव अवस्था में रहता है, वो मात्र एक है, अपवाद है, यानी कि पारा इसका आंसर होता है, ठीक है। तो
गैस के रूप में जो अधातु है उसका नाम देखते हैं यहाँ पे, इसको मैं मिटा देता हूं। गैस के रूप में अधातु, तो मैं संकेत ही लिख देता हूं H, H मतलब हाइड्रोजन, N, N मतलब नाइट्रोजन, ठीक है, O मतलब ऑक्सीजन, ठीक है, F मतलब फ्लोरीन, ठीक है, N, E मतलब नियोन, उसके बाद आर्गन, ठीक है, उसके बाद क्लोरीन भी होता है Cl, इसके बाद Kr, Kr मतलब क्रिप्टन, उसके बाद ज़ेनन, उसके बाद रेडॉन, ये सभी जो है गैस और धातु है, आर ए होता है, ठीक है। तो गैस और धातु हो गए, यानी कि अधातु के बारे में आपने देखा कि तीनों अवस्था में अधातु होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन नंबर 17, जनन जिसमें पौधे के भाग का एक हिस्सा एक नए पौधे के रूप में विकसित होता है क्या कहलाता है। तो पौधा से जो जनन होता है, तो जनन कई प्रकार के होते हैं, लैंगिक जनन होते हैं, अलैंगिक जनन होते हैं, कभी विखंडित हो जाता है, कभी कुछ, यानी कि जनन होने के लिए अलग अलग प्रक्रिया होता है, ठीक है। तो इसमें से पौधे के भाग से जो जनन होगा, ठीक है, तो पौधा वनस्पति में आता है, ठीक है, तो पौधे के भाग में जो जनन होता है उस भाग, उस जनन का नाम हम लोग कहते हैं वनस्पतिक जनन, ठीक है, समझ गया है। अगला क्वेश्चन जो आपका है क्वेश्चन नंबर 18, धातु के ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए कौन सी धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है। तो वाष्प के साथ अभिक्रिया करके इसमें से कौन सा है जो हाइड्रोजन दे सकता है या उसका ऑक्साइड दे सकता है, तो कॉपर, लेड, सिल्वर और एल्युमिनियम। तो देखिए, कॉपर नहीं देता है, लेड माने सीसा यह भी नहीं देता है, सिल्वर माने चांदी यह भी हाइड्रोजन नहीं दे सकता है, तो देता कौन है, इसमें से सिर्फ एक है एल्युमिनियम, ठीक है। ऑप्शन के हिसाब से और भी कोई हो सकता है, ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से एल्युमिनियम ही है जो कि वाष्प के साथ अभिक्रिया करेगा तो एल्युमिनियम के ऑक्साइड देगा और हाइड्रोजन देगा, ठीक है। तो चलते हैं अगले नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 19 आपका है, इनमें से किस लवण का जलीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। ऑप्शन ए है सोडियम क्लोराइड NaCl, ऑप्शन बी है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ऑप्शन सी है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 और ऑप्शन डी है अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। तो यह बोल रहा है ये सब लवण का जलीय विलयन जो है वह जलीय विलयन का पीएच मान 7 से कम यानी कि अम्लीय इसमें से कौन हो जाएगा जब जल मिला देंगे, ठीक है, तो इसका आंसर होगा अमोनियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर डी। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन जब ये आ गया है तो आपसे पूछा जा, सबसे पहले पूछा जा सकता है कि सोडियम क्लोराइड का रासायनिक संकेत बताएं, तो आपको दिख रहा है NaCl, और आपसे इस पर क्वेश्चन यह भी आता है कि साधारण नमक का रासायनिक संकेत क्या होता है, तो आप बोलेंगे NaCl। दूसरा इसमें है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, इसका डायरेक्ट आपको संकेत पूछ लिया जाता है Na2CO3 बोलिएगा, और इस पे क्वेश्चन आता है कि धोवन सोडा यानी कि धोवन सोडा किसका का रासायनिक संकेत, इस सोडियम कार्बोनेट को ही धोवन सोडा कहते हैं, तो क्या होगा Na2CO3। अगला क्वेश्चन है सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका मतलब यह जो होता है खाने वाला सोडा, जो आपके घर में कोई चीज व्यंजन पदार्थ बनाते हैं जिसको स्पंजी बनाना होता है उसमें एक सोडा मिलाते हैं, इसका नाम मीठा सोडा भी कहते हैं, तो खाने वाला सोडा, तो इसका नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका संकेत NaHCO3 होता है, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, इनमें से कौन सा न्यूटन के गति के तीसरे नियम का उदाहरण है। तो आप न्यूटन के गति का तीन नियम पढ़े हैं, प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम, ठीक है। तो न्यूटन के प्रथम गति नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं, ठीक है। तो
न्यूटन के प्रथम गति नियम से बल की परिभाषा मिलती है, द्वितीय नियम से बल का व्यंजक मिलता है, और तृतीय नियम जो होता है वह क्या होता है, क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यानी कि अगर कोई बॉल उधर मारे तो वापस आता है, ठीक है, कोई भी क्रिया होता है उसके वापस उल्टा होता है, इसी को न्यूटन का तृतीय गति नियम बोलते हैं। तो जब हम ऑप्शन है ए, जब हम पैडल चलाना बंद करते हैं साइकिल धीमी करती है, तो देखिए ये पैडल चलाने वाला हम लोग जब न्यूटन के गति नियम पढ़ते इसमें कहीं उदाहरण ऐसा नहीं आता है, तो ये तो आंसर नहीं हुआ। दूसरा, जब बस अचानक चलती है तो यात्रियों को पीछे की ओर झटका लगता है, तो यह उदाहरण हमें न्यूटन के गति के नियम में मिलता है, लेकिन यह प्रथम गति नियम का उदाहरण है। इसने क्या पूछा है कि तीसरे गति नियम का उदाहरण देना है, तो यह प्रथम गति का तीसरा का नहीं है, ठीक है। गेंद को पकड़ते समय खिलाड़ी अपना हाथ पीछे करता है, यह भी गति नियम के उदाहरण में होता है, तो यह भी जड़त्व का उदाहरण है, जड़त्व को कम करने के लिए, ठीक है। यह भी प्रथम गति नियम हो गया। तीसरा है रॉकेट लॉन्च करना, और ये एकदम पॉपुलर उदाहरण है कि रॉकेट लॉन्च होता है, तो न्यूटन के तीसरे गति नियम पर आधारित है, तो इसलिए इस सवाल का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो गया, ठीक है। तो आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट करके हमें बताएं, आपके लिए हम ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आएंगे, और ये सीरीज चलता ही रहेगा। कम से कम आपको 750 क्वेश्चन साइंस के मिलेंगे, जो ग्रुप डी 2018 में पूछे गए सवाल होंगे, जो आपके अगले परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। थैंक यू, बाय।